उड़ने वाला घोड़ा। एक समय रहीम नामक एक व्यक्ति सुल्तान सुबीर के दरबार में एक उड़ती हुई घोड़े पर आया। सुल्तान ने उसे अपनाना चाहा और पूछा, इस उत्तम घोड़े का दाम क्या है? दाम और कुछ नहीं, राजकुमारी ही है, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन उसके पहले राजकुमार इस पर जांच की सवारी करेगा। राजकुमार उस पर सवार हुआ, घोड़ा उड़ता हुआ चला गया। वह वापस ना आया तो सुल्तान बहुत नाराज हुआ। महाराज, वह मेरी गलती नहीं, राजकुमार वह जादूगरनी घोड़ा काबू में रखना न जानता होगा। मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं, मैं अपने राजकुमार के वापस आने तक तुम्हें बाहर नहीं करूँगा। और रहीम को जेल में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद राजकुमार घोड़े के साथ राजमहल वापस आ गया। मैं तुमको आजाद करता हूँ, पर तुम घोड़े को वापस न पाओगे। रहीम नाराज हुआ, वह बदला लेना चाहा। कुछ दिन बाद राजकुमारी बीमार पड़ी और सुल्तान ने एक घोषणा की, जो कोई मेरी पुत्री को चंगा कर देगा उसको कुप से पुरस्कार दिया जाएगा। रहीम ने एक चिकित्सक के रूप में राजमहल के अंदर प्रवेश किया। उसने सुल्तान से कहा, मेरे पास राजकुमारी और जादूगर घोड़े को ले आओ। अपने जादू के बल पर उसने राजकुमारी को चंगा कर दिया और जट से अपने घोड़े पर खींचकर उड़ गया। राजकुमारी ही उसका सच्चा पुरस्कार था।